सुप्रभात छात्रों, RCI एजुकेशन हब बानसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विषय संस्कृतम और बेटा टॉपिक है हमारा उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द रूप चल रहे हैं तो उसमें हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप पढ़ लिया, बड़ी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप पढ़ लिया और अब हम पढ़ेंगे उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। जिन संज्ञा शब्दों के अंतिम वर्ण में ऊ की मात्रा हो उसे उकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, यथा जैसे धेनु, तनु, रेणु इत्यादि। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा देखो धेनु का अंतिम वर्ण क्या है, नु। नु में किसकी मात्रा है, छोटे ऊ की। तनु, तनु, तनु का अर्थ होता है शरीर, इसका अंतिम वर्ण क्या है, नु, और यानी कि इसमें किसकी मात्रा है, छोटे ऊ की। उसके बाद है रेणु, रेणु का अंतिम वर्ण क्या है, णु, और णु में किसकी मात्रा है, छोटे ऊ की। ठीक है, इस प्रकार से ये उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप कहलाई। अब मैं बेटा आपको धेनु शब्द उकारांत यानी शब्द रूप बना के सिखा देती हूँ, उसके बाद तनु और रेणु के भी सेम ऐसे ही आएंगे। तो प्रथमा एक वचन में आ जाएगा धेनु, धेनु धेनवय, धेनु धेनु धेनवय, धेनु 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 धेनु। धेनुना धेनुभ्याम और तृतीय बहुवचन में आ जाएगा धेनुभी, धेनुभी। चतुर्थी एक वचन में, चतुर्थी एक वचन में आ जाएगा धेनवे, धेनुभ्याम धेनुभ्य। पंचमी एक वचन में धेनो धेनुभ्याम धेनुभ्य। षष्ठी एक वचन में धेनो धेनो धेनवो धेनुनाम। सप्तमी एक वचन में धेनवाम या फिर धेनौ, सप्तमी एक वचन में हो जाएगा धेनौ, धेनवो धेनुसु। हे धेनो हे धेनो हे धेनवय। ठीक है बेटा, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा धेनु शब्द का रूप कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से तनु शब्द आ जाएगा और इसी तरीके से रेणु शब्द है। रेणु शब्द जो है इसमें रे आ गया है इसलिए यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, बाकी जो का तो रहेगा। जैसे देखो तनु शब्द का एक बार मैं आपको क्या करवा देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, तनु शब्द में देखो तनु तनु तनवय, तनु तनु तनु, तनुना तनुभ्याम तनुभी, तनवे तनुभ्याम तनुभ्य, फिर तनो तनुभ्याम तनुभ्य, फिर तनो तनवो तनुनाम, फिर तनौ तनवो तनुसु। हे तनो हे तनो हे तनवे। ठीक है बेटा, इस प्रकार से ये हमारा उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप भी कंप्लीट हो गया है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।